हेलो दोस्तों, इंडिया गढ़ चैनल में आपका स्वागत है। आज है 22 नवंबर और 22 नवंबर से छत्तीसगढ़ से जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर बनते हैं उसके बारे में पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में मैं बताऊंगा। तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए। आज का वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में देश का सबसे बड़ा म्यूजिकल फाउंटेन कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रायपुर। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। बूढ़ा तालाब में शुक्रवार को म्यूजिकल फाउंटेन की टेस्टिंग हुई। रंगीन रोशनी से नहाते तालाब में सैकड़ों फुहारे लगाए गए। 100 फीट तक ऊंचाई तक पानी की बौछार करते फाउंटेन में ओम, क्रॉस, साई और सूरज की झलक भी दिखाई दी। महापौर एजाज डेबर ने दावा किया कि 5 करोड़ की लागत से 350 मीटर में बना ये देश का अब तक सबसे बड़ा म्यूजिकल फाउंटेन है। उन्होंने बताया कि फिलहाल विशाखापट्टनम में लगभग 225 मीटर लंबा म्यूजिकल फाउंटेन संचालित है। टेस्टिंग सफल होने के बाद अब 22 नवंबर को CM भूपेश बघेल के हाथों इस म्यूजिकल फाउंटेन का इनॉग्रेशन किया जाएगा। फाउंटेन की टेस्टिंग के मौके पर पार्षद प्रमोद मिश्रा, राधेश्याम बिहार, मंटी होरा भी मौजूद, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। ये बूढ़ा तालाब रायपुर में इसका टेस्टिंग किया गया और कितने लागत से बनेगा? 5 करोड़ की लागत से बनेगी। इसकी लंबाई होगी 350 मीटर। ये देश का सबसे बड़ा म्यूजिकल होगा। अब रायपुर की बात आई है तो रायपुर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। रायपुर की स्थापना 2 नवंबर 1861 2 नवंबर 1861 रायपुर किस नदी के किनारे बसा है? रायपुर खारून नदी के किनारे बसा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी अटल नगर नया रायपुर 1862 में रायपुर को छत्तीसगढ़ का संभाग बनाया गया। 1967 में 1967 में रायपुर को छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन एवं प्रथम नगर निगम बनाया गया। कितने सने बनाया गया? 1967 में प्रथम नगर निगम। औद्योगिक क्षेत्र उरला प्रदेश का प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र है। सिलतरा प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र है। यहाँ पर उपस्थित साइकिल कॉम्प्लेक्स, एग्रो एक्सपोर्ट जोन, भानपुरी में अप्रैल पार्क, राव भाटा में मेटल पार्क स्थित है। तिलदा राइस कॉम्प्लेक्स, पॉली पार्क। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक राइस मिलें कहाँ हैं? तो तिलदा में स्थित है। अटल नगर, नया रायपुर, कुबेर भाटा और राखी गांव में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थित है। IIT पार्क, IIT स्थित जंगल सफारी मड़वा ग्राम रायपुर में स्थित है। परसदा वी नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नागार्जुन कंस्ट्रक्शन हैदराबाद द्वारा निर्मित। प्रमुख संस्थान की बात करें यहाँ NIT का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी रायपुर, पंडित दीनदयाल आयु स्वास्थ्य एवं चिकित्सक विश्वविद्यालय रायपुर। ऑल इंडिया मेडिकल संस्थान एम्स कहाँ है? तो रायपुर में। भारतीय प्रबंधक संस्थान IIM रायपुर। मैट्स विश्वविद्यालय गुल्लू अरंग पुरखौती मुक्तगंज। राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की प्राचीन संस्कृति को सहेजे एवं दर्शाने का
प्रयास किया है। चंद्रखुरी कौशल्या माता भारत का एकमात्र हाटकेश्वर मंदिर रायपुर जो खारून नदी के तट पर बसा है। तो इस क्वेश्चन से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मत्स्य बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, छठवां स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य में पिछले 2 साल में मत्स्य बीज उत्पादन में 13 और मत्स्य उत्पादन में 9% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है। मछली पालन में क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए राज्य के 2 मत्स्य कृषकों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार एवं सम्मानित किया जाएगा। 21 नवंबर को विश्व मत्स्यकी दिवस के अवसर पर भारत शासन द्वारा एपी सिंपोजियम हॉल पूसा कैंपस नई दिल्ली में आयोजित समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य में मेंबर्स एमएम फिश सीड कंटिवेशन प्राइवेट लिमिटेड माना जिला रायपुर को वेस्ट फिशरीज इंटरप्राइजेस के तहत 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार प्राप्त तथा प्रशस्ति पत्र एवं मेंबर्स एमआई के कंपनी शिवाहा जिला धमतरी को बेस्ट प्रॉपर्टीज फर्म स्वर्ग के तहत 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। मछली उत्पादन में छठवां स्थान राज्य हमारा छत्तीसगढ़ बना है, से आप इमेज में देख सकते हैं। देश में राज्य मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में छठवां स्थान प्राप्त है। तो किनको किनको मिला है? तो रायपुर को मिला है लिमिटेड कंटिनेशन प्राइवेट लिमिटेड माना रायपुर मेंबर्स एमआई के कंपनी शिवाहा जिला धमतरी। तो रायपुर के बारे में हम पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब धमतरी की बात आई है, तो धमतरी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। धमतरी की स्थापना 1998। धमतरी मातृत्व जिला रायपुर, रायपुर से पृथक करके धमतरी को बनाया गया। छत्तीसगढ़ के सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला है तो अपना धमतरी है। अभयारण्य सीता नंदी अभयारण्य 1974 प्रदेश का प्रथम अभयारण्य एवं सबसे प्राचीन अभयारण्य है तो सीता नंदी अभयारण्य है। 2009 में टाइगर रिजर्व घोषित। मुख्य नदी महानदी उद्गम शिवाहा पर्वत से हुए है। लंबाई 858 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर बहती है। सिलियारी नदी उद्गम सरगेट्टी। मुख्य परियोजना रुद्र बैराज 1915 छत्तीसगढ़ के प्रथम परियोजना। कंगरेल बांध पंडित रविशंकर जलाशय 1978 से 1979। दुधवा जलाशय 1978 से 1979। मडसली बांध सिलियारी नदी पर 1978 से 1979 में स्थापना हुआ है। श्यामला तराई प्रस्तावित लघु औद्योगिक क्षेत्र बगोद धमतरी। मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क हर्बल पार्क की स्थापना कहाँ है? ये सब तो धमतरी जिले में
स्थित है। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट फैक्टों को आप याद रखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बड़ौना पर्व कहाँ पर मनाया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गरियाबंद। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। अंचल में धान कटाई के साथ साथ बढ़ौना पर्व किसान मना रहे हैं। बढ़ौना पर्व में धान कटाई के बाद खेत के एक कोना में धान की फसल को छोड़ते हैं और उस पर फसल का 5 मुट्ठी काट कर करपा रख कर काटने वाले औजार हंसिया को करपा में रख कर किसान पूजा अर्चना कर मुर्रा चना खीर पूड़ी नारियल चढ़ाते हैं, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। दोस्तों किसान अपने फसल कटाई में पूजा करते हैं, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। तो बढ़ौना पर्व कहाँ मनाया गया है? गरियाबंद जिले में मनाया गया है। अब गरियाबंद की बात आई है तो गरियाबंद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। दोस्तों गरियाबंद की स्थापना 2012 मातृत्व जिला रायपुर, रायपुर से पृथक करके गरियाबंद का निर्माण किया गया है। यही जनजाति की बात करते हैं, कंवार जनजाति यहाँ विशेष पिछली जनजाति में गिने जाते हैं। विकास अभिकरण मुख्यालय गरियाबंद। कंटरा जनजाति, भुंजिया जनजाति राज्य शासन द्वारा 2002 में भुंजिया को विशेष पिछली जनजाति में शामिल किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र बेलटुरकी राजिम छत्तीसगढ़ का प्रयाग महानदी सोढ़ूल पैरी संगम के स्थित है। प्राचीन नाम पद्मवतीपुरी, राजीव लोचन मंदिर, नलवंशी शासक विनास्तुक द्वारा किसके द्वारा बनवाया गया है? तो विलास तुंग के द्वारा निर्मित करवाया गया है, बनवाया गया है। जीर्णोद्धार पृथ्वीदेव द्वितीय कलचुरी शासक द्वारा करवाया गया। मंदिर में विष्णु की प्रतिमा काले ग्रेनाइट पत्थर संगम के कुलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। पाडुका महर्षि महेश योगी का आश्रम कहाँ है? तो गरियाबंद जिले में स्थित है। गरियाबंद भूतेश्वर महादेव वर्तमान में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थित है। बिद्रनावगढ़ भातृगढ़ पहाड़ी पैरी नदी पर उद्गम है। सिकाकारा परियोजना 7 मेगावाट बिजली उत्पादन 2006 से प्रारंभ। मुख्य खनिज देखते हैं, हीरा का भंडारण मैनपुर पालीखंड बहराडी कोदोमाली कुशमुंडा यहाँ से हीरा प्राप्त किया जाता है। हीरा छत्तीसगढ़ में कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो हमारे गरियाबंद जिले से प्राप्त किए जाते हैं। गार्नेट उत्पादन क्षेत्र गोहेरा कला गोहेरा रापड़ यहाँ से गार्नेट प्रदान किया प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, देवभोग में सेदमुंडा लाटापारा सापित हीरा का सापित हीरा तथा गरीबों का हीरा कहा जाता है। उदंती अभयारण्य 1983 वन भैंसा के लिए प्रसिद्ध। उदंती को 2009 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। टाइगर रिजर्व में परिवर्तित किया गया। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरे इस वीडियो से आपको हेल्पफुल मिला हो तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंडिया गढ़।